यूपी तक, यूपी का नंबर वन यूट्यूब चैनल। कुन्नूर MI-17 चॉपर हादसे में सारे लोगों की मौत हो चुकी है, सिवाय उत्तर प्रदेश के देवरिया के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को छोड़कर। हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त वरुण सिंह के घर उम्मीद की जो किरण बची है, क्या हाल है उस गांव का। साथ साथ ये भी जानिए कि कैसे मातम पसरा हुआ है इस वक्त आगरा में विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के घर। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कैसे छोटी पार्टियों में अपने सिंबल को बचाने की ये खोड़ है, किनकी सिंबल बची है और किनका सीज होने के कगार पर है। साथ साथ चंदौली में समाजवादी पार्टी के नेताओं और पुलिस की भिड़ंत के बाद अब समाजवादी पार्टी की एक टीम चंदौली जाएगी इस मामले को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन सिंह रावत समेत उन 13 लोगों को आज देश श्रद्धांजलि दे रहा है जिनकी कुन्नूर में एक चॉपर हादसे में मौत हो गई। इस चॉपर में कुल 14 लोग सवार थे। एक शख्स जो इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उनका नाम है वरुण सिंह और वरुण सिंह देवरिया के रहने वाले हैं। कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह के भतीजे हैं। इस गांव में एक उम्मीद की किरण इस वक्त बची हुई है कि शायद इस हादसे में बचे हुए वरुण सिंह की जिंदगी बच जाए। दुआओं का दौर जारी है और गांव में लोग मायूस जरूर हैं, लेकिन एक उम्मीद की किरण के साथ कि शायद उनका लाडला, उनके गांव का नाम रोशन करने वाला शौर्य चक्र विजेता वरुण सिंह ICU में भी जिंदगी की यह जंग लड़कर लौटेगा। वरुण सिंह शौर्य चक्र इन्हें भी 6 महीने पहले दिया गया था, क्योंकि इन्होंने तेजस को एक्सीडेंट होने से बचाया था और तेजस को बहुत अच्छे से संभाल लिया था फ्लाई करते वक्त। इसके पहले लखनऊ में जब डिफेंस एक्सपो हुआ था, तब भी ये तेजस के बेड़े में शामिल थे और तेजस लेकर आए थे, यहाँ उन्होंने उड़ाया था। इनकी वीरता की बात सभी जानते हैं और ये कहा जाता है कि अभिनंदन के बैच के पायलट हैं। परिवार में इस वक्त तमाम नज़रें पुणे के उस अस्पताल पर टिकी हुई हैं जहां पर इनका इलाज चल रहा है और सभी डॉक्टर जी जान से उन्हें बचाने में जुटे हैं। परिवार की माने तो अगले 48 घंटे बेहद क्रिटिकल हैं, क्योंकि वो ICU में हैं। अखिलेश सिंह से यूपी तक की टीम ने बात की है, आप खुद सुनिए कि इस वक्त कैसी हालत है वरुण सिंह की। अखिलेश जी बताएं कि क्या हाल है वरुण सिंह का, क्या जानकारी आपको मिल रही है। उनके कुछ मेजर सा ऑपरेशन हुए हैं और ICU में शिफ्ट कर दिए गए हैं। कैसे सूचना मिली आपको? परिवार के थ्रू मिलती है जानकारी। और क्या जानकारी है, मतलब क्या कंडीशन है या कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं, उनके पिताजी कहाँ हैं या उनकी माताजी कहाँ हैं? उसकी वाइफ तो वहीं पे है और पिताजी उसके पहुंच गए हैं और परिवार के कुछ लोग और पहुंचे हैं। 48 आवर डॉक्टर बताएं कि सीवियर है, उसको क्रूशियल है, उसको बहुत अच्छे से वहाँ पे पूरी एयरफोर्स आर्मी के लोग दवा जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट होता है वो पूरी सेना के लोग कर रहे हैं। आपने वरुण सिंह के गांव की तस्वीरें देखी, देवरिया के गांव के वरुण सिंह हैं। हम आपको दूसरी तस्वीर आगरा की दिखा रहे हैं। यहाँ पर पृथ्वी सिंह चौहान 42 साल के पायलट विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के घर में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि इस घर का लाडला इस हादसे में मारा गया है, उसका शिकार हो गया है। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान MI-17 को उड़ा रहे थे और कोयम्बटूर में वो पोस्टेड थे। उनके परिवार के लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि इतना शानदार अधिकारी इस तरीके से कैसे इस हादसे में चला गया। आप इन तस्वीरों को देखिए और सुनिए क्या कह रहे हैं उनके घर के लोग जो पृथ्वी सिंह चौहान को जानते थे। वो 3-4 दिन पहले बात हुई थी, वही खैर आप मतलब खुशहाली के बारे में बात हुई और कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, उन्होंने जरूर थोड़ा सा
ये मिलिट्री हॉस्पिटल में ज़रा बात करने का आँख दिखाने का बात जिक्र किया था, तो उन्होंने कहा मैं पता करके आपको बता देता हूँ। अब शनिवार का टाइम था कि उनको दिखाने जाना था, अब ये हादसा हो गया। और अब बात उत्तर प्रदेश के सियासत की। छोटे और क्षेत्रीय दलों में आज थोड़ी खुशी तब आई जब इन तमाम दलों को इनके अपने चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने अलॉट कर दिया। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को उनका नाव चुनाव चिन्ह सबसे पहले मिला। अपना दल सोनेलाल यानी कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी को कप प्लेट का जो चुनाव चिन्ह है वो भी चुनाव आयोग ने दे दिया। लेकिन अचानक से ये चर्चा चल पड़ी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा और निषाद पार्टी के दलों के जो चुनाव चिन्ह हैं वो उन्हें अलॉट नहीं किए गए। कई मीडिया खबरों में भी आया कि शायद उनके चुनाव चिन्ह इस बार नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन आज सुबह होते होते सुभाषपा यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को उनका पुराना चुनाव चिन्ह वॉकिंग स्टिक यानी कि टहलने वाली जो छड़ी होती है उसका चुनाव चिन्ह उन्हें दे दिया गया। अभी तक निषाद पार्टी का चुनाव चिन्ह उन्हें नहीं मिला है, लेकिन निषाद पार्टी को उम्मीद है कि उनका सिंबल भी उन्हें अलॉट हो जाएगा। राजा भैया की जनसत्ता पार्टी का चुनाव चिन्ह आरी जिस पर कि वो चुनाव लड़े हैं उसे इस बार चुनाव आयोग ने उन्हें दे दिया है। ये तमाम छोटे और क्षेत्रीय दल अपने चुनाव चिन्ह को लेकर बेहद खुश हैं और इस चुनाव में अपने अपने चुनावी चिन्ह के साथ ही ये सभी उतरेंगे। दरअसल कुछ पार्टियां, बड़ी पार्टियां चाहती हैं कि जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं वो उनके सिंबल पर चुनाव लड़ें, लेकिन अब सिंबल मिलने के साथ ही बड़ी पार्टियों के लिए ये मुश्किल होगी कि वो इन पार्टियों को अपने सिंबल पर लड़ाने की जो इच्छा रखते हैं वो शायद पूरी ना हो पाए। दरअसल एक नियम है कि 1% से कम अगर वोट क्षेत्रीय दलों को मिलता है तो उनके सिंबल सीज किए जा सकते हैं। ऐसे में कई क्षेत्रीय दलों पर यह तलवार लटक रही थी, लेकिन धीरे धीरे चुनाव आयोग ने लगभग सबको उनका सिंबल 2022 का चुनाव लड़ने को दे दिया है। चंदौली में पिछले दिनों पुलिस के साथ एक झड़प में पुलिस वाले को सिर से मारने की एक तस्वीर, एक वीडियो वायरल हुआ। यह वीडियो समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण यादव का था और उनके साथ संतोष यादव नाम के कार्यकर्ता थे। कुल 150 लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए, 6 नामजद थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही ये दोनों नेता फिलहाल भूमिगत हैं और पुलिस की जांच में सामने नहीं आ रहे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के 6 लोगों का प्रतिनिधिमंडल 12 दिसंबर को चंदौली जा रहा है और पुलिस के सामने अपना पक्ष भी रखेगा और साथ साथ इस पूरे मामले की पड़ताल भी करेगा। दरअसल ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था क्योंकि झड़प के दौरान समाजवादी पार्टी के ये विधायक पुलिस के DSP के साथ अपना सिर टकराते दिखाई दे रहे हैं, उन्हें खींचकर सर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वीडियो के बाद से ही हंगामा मचा था और ये वीडियो बेहद वायरल हुआ था। केस दर्ज होने के बाद से प्रभु नारायण यादव जो कि सकलडीहा के विधायक हैं वो फिलहाल भूमिगत हैं, फरार हैं और अब उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। ऐसे में गिरफ्तारी से बचने की उनकी कोशिश है। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले की पड़ताल को लेकर चंदौली पहुंचेगी 12 तारीख को और देखना यह है कि क्या विधायक इस मामले में सरेंडर करते हैं, गिरफ्तारी होती है या ये मामला कहां तक आगे जाता है। तो यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।